या फिर आप अपने फादर की इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हो। और मैं कह रही हूँ कहीं से नहीं, तो अब यूट्यूब है यार, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है। आप बिल्कुल टाइम दो उस चीज़ को वेस्ट करने के बजाय, इस ये सारी चीज़ें सीखने में लगाओ ना गे ना, ये 1.5 महीना देखना कितना इफेक्टिव साबित होगा आपके लिए। रिजल्ट का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अभी जितना भी ये टाइम है उसको ये सारी चीज़ों को सीखने में लगाइए। GST रजिस्ट्रेशन सीखना है, इनकम टैक्स की फाइलिंग सीखनी है, बाकी और के मतलब MSME में रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं वो सीखना है। एक CS होने के नाते आपका ये धर्म बनता है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो हेलो चैम्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जो बना है सिर्फ और सिर्फ CS स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो आप सबों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि इतने टाइम बाद एक वीडियो लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि लास्ट वीक से थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, थोड़ा सा कोल्ड वगैरह हो गया था, शायद ठंड लग गई थी, तो आवाज़ से लग रहा होगा आपको थोड़ा सा। तो माफ़ी चाहती हूँ कि इतने टाइम बाद एक वीडियो आ रहा है, बट मैंने भी सोचा कि अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं नए नए, कुछ टाइम का तो रेस्ट बनता है यार, ठीक है। तो ताज़ा ताज़ा जो CS वाले बच्चों के एग्ज़ाम्स ओवर हुए हैं, दिसंबर अटेम्प्ट वाले बच्चों के, तो कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगता है, 4-5 दिन तो मस्त हम सोते हैं, खाते हैं, जो मन होता है वो करते हैं, क्योंकि इतना सारा प्रेशर झेलने के बाद बेचारे जो बच्चे 3 ग्रुप देते हैं, 2 ग्रुप देते हैं, या जो बच्चे 1 ग्रुप भी देते हैं, लगातार एग्ज़ाम होता है और सर उठाने तक का समय नहीं होता है, कुछ करने का समय नहीं होता है। फिर एग्ज़ाम जैसे ही ओवर होते हैं हम एक राहत की सांस लेते हैं, और एक 1.5 महीने पूरा हमें लगता है मस्त 1.5 महीने सोता ही रहेंगे या फिर खाते ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1.5 महीने तो आप सो नहीं सकते, 2 दिन से ज़्यादा नींद आती भी नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरे को सोने को नहीं मिलता था एग्ज़ाम टाइम पे, तो मैं सोचती थी कि मैं जितना चाहूँगी उतना सोऊंगी, लेकिन नहीं होता था। कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के बाद हम सबकी नींद ही उड़ जाती है, 1 दिन तो आप सो सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं सो सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो हमारा एग्ज़ाम ओवर होने के बाद और रिज़ल्ट आने तक का ये जो टेन्योर होता है, जो 1.5 मंथ्स या फिर यू कैन से 2 मंथ्स का जो टेन्योर होता है, इसे हम कितनी इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप जितने अच्छे से आपके इस टाइम को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करेंगे ना, आप देखना आपके करियर में उतनी अच्छी ग्रोथ होगी। सी, हमें ICSI 1.5 महीने का टाइम देता है, या फिर यू कैन से वो खुद 1.5 महीने का टाइम लेते हैं कॉपी चेकिंग करने में, ठीक है। अब इस 1.5 महीने के टाइम को बहुत सारे बच्चे यूं ही वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ करना चाहते हैं इस 1.5 महीने के टाइम में, बट उस बहुत कुछ करने के चक्कर में वो कुछ नहीं करते हैं और सारा का सारा अपना रूटीन ख़राब कर लेते हैं। सी, आप सबको पता है कि एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो हमारा एक रूटीन सेट होता है, हम पढ़ाई करते हैं, हमारे एक प्रोडक्टिविटी अलग ही होती है एग्ज़ाम टाइम पे, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद प्रोडक्टिविटी हमारी बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल यहाँ आ जाती है, और हमें समझ नहीं आता हम क्या करें। और इस वाली मेंटल थिंकिंग के साथ जूझ रहे हुए बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं सोचती रह जाती थी कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। एक अटैम्प्ट तक तो मेरे साथ ऐसा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अटैम्प्ट से मैंने ना बहुत सारी चीज़ें पहले से प्लान करके रखी होती थी कि मुझे एग्ज़ाम के बाद क्या क्या करना है ये मुझे पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में तो कुछ प्लानिंग करनी नहीं होती है, चलो ठीक है एग्ज़ाम आएगा एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम के बाद का क्या, ठीक है। आप हर जगह 1.5 महीने घूम नहीं सकते, सो नहीं सकते, खा नहीं सकते, उसके अलावा कैसे हम इस टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अपन ना 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं। पहली कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने दिसंबर में अपना एक ही ग्रुप दिया है, ठीक है। जिन्होंने एक ही ग्रुप दिया है तो वो सेकेंड ग्रुप की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, तो उनके लिए तो 1.5 महीना फिर नाम का 1.5 महीना हो गया, पढ़ाई ही करनी है उनको, ठीक है। सेकेंड ग्रुप की आपको पढ़ाई करनी है, तो आपके लिए तो कोई और ऑप्शन नहीं, आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों ने दोनों ग्रुप दिए हैं, एग्जीक्यूटिव के दोनों ग्रुप दे दिए हैं या फिर प्रोफेशनल के दोनों ग्रुप दे दिए हैं, और उन्हें लग रहा है कि पेपर उनके ठीक ठीक हुए हैं, पास होने की उनको संभावनाएं दिख रही हैं, ठीक है, थीके? तो वो क्या करें, प्रोफेशनल की पढ़ाई तो इतनी जल्दी शुरू नहीं कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, और करनी भी नहीं चाहिए, आपको रिजल्ट तक का वेट करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आप क्लियर हो जाओगे तो इस 1.5 महीने को और दूसरे कामों में यूटिलाइज़ करिए, ठीक है। प्रोफेशनल की पढ़ाई के लिए 9 महीने का टाइम इनफ होता है, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि क्या करना चाहिए आपको उस टाइम पे। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, एंड में बताऊँगी क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। क्या चीज़ें करनी चाहिए उसमें सबसे पहला आता है कि मेक अ रूटीन। सी, एग्जाम टाइम में आपका एक रूटीन होता था, आप जब एक रूटीन में रहते हो ना, आपकी बॉडी भी सही से फंक्शन करती है, आपका माइंड भी सही से फंक्शन करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। एग्जाम के बाद 2-4 दिन तक अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा एक रूटीन बनाइएगा। आपको देर से सो के उठना है, ठीक है, लेकिन एक उसका भी एक रूटीन बनाइए कि देर से, ठीक है, 9 बजे के ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नहीं सोना है, ठीक है। जहाँ एग्जाम में आप 7 बजे उठते थे, 9 बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूटीन से काम करना है, ठीक है। 9 बजे उठना है, इतनी देर पढ़ना है, इतनी देर खेलना है, ये सारी चीज़ों का माइंड में एक रूटीन सेटअप करिए, ठीक है। रूटीन में रहना है, ठीक है, पहला ऑप्शन है मेक अ रूटीन, ठीक है। दूसरा मैं बात करूँ, मीट विद ओल्ड फ्रेंड्स। बहुत सारे हम एग्जाम टाइम पे अपने बहुत सारे दोस्तों से मिलना भूल जाते हैं, तो उनसे अब मिलिए। आपके पास पूरा 1.5 महीना है, आराम से मिलिए, उनके साथ बातचीत करिए, अपने जो भी आपको लगता है करीबी रिश्तेदार हैं उनसे मिलिए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है गिव मोर टाइम टू योर हॉबीज। बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी हॉबीज होती हैं, जैसे कि मेरी हॉबी थी सिंगिंग करना, ठीक है, या कुछ प्ले करना, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना। बहुत सारे बच्चों को गिटार बजाना या पियानो बजाना, या बहुत सारे बच्चियों को डांस करना पसंद होता है, ठीक है। आप डांस क्लासेस ज्वाइन करिए 1.5 महीने के लिए, ठीक है, आप देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। आप उसमें अपना 100% दीजिए, ठीक है। अब बात आती है, दीदी ये ऑप्शन तो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ना ये सारी हॉबीज, मतलब कुछ बच्चों के अंदर पढ़ाई की हॉबी होती है, ठीक है। जैसे बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जिनको था कि यार मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वेरियस काइंड ऑफ बुक्स रीड कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई बुक्स रीड करते करते, मतलब एग्जाम के टाइम ICSE के मॉड्यूल्स ही इतने होते हैं कि हमें बुक्स रीड करने का टाइम नहीं मिलता। तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, जैसे कि जो भी आपको अच्छी लगती हो, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, बहुत सारी बुक्स के ऑप्शंस मैं आपको मतलब कमेंट में बता दूंगी कौन कौन से आप बुक्स रीड कर सकते हैं, ये सारी बुक्स रीडिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप लॉ में अच्छी कमांड रख सकते हैं, ठीक है, आपसे भी LODR, कंपनी लॉ, फेमा, ठीक है, और इनकॉर्पोरेशन के जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो, ठीक है, ये सारे पे बिल्कुल अपनी अच्छी कमांड बिठा सकते हैं। आप नोट्स बना सकते हैं, सेल्फ नोट्स, प्रैक्टिकल तरीके से आपको पढ़ना है आपका लॉ का सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शंस हो सकते हैं। सी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ना घर पे थोड़ी सी फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, इस 1.5 महीने में कुछ मतलब अर्निंग वाला वर्क भी सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, GST की रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना। आप किसी भी लॉयर के फर्म में अगर बोलोगे जाकर कि सर मुझे सिखा दीजिए, बिल्कुल आपको सिखाएंगे। आप 1.5 महीने सीखोगे उनके यहाँ, वो आपको पे भी करेंगे, आप वो काम सीख लो, इसके बाद आप लोगों से पैसे चार्ज कर सकते हो उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में, या फिर आप अपने फादर की इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हो। और मैं कह रही हूँ कहीं से नहीं, तो अब YouTube है यार, YouTube में सब कुछ अवेलेबल है। आप बिल्कुल टाइम दो उस चीज़ को वेस्ट करने के बजाय, इस ये सारी चीज़ें सीखने में लगाओ ना, ये 1.5 महीना देखना कितना इफेक्टिव साबित होगा आपके लिए। रिजल्ट का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, अभी जितना भी ये टाइम है उसको ये सारी चीज़ों को सीखने में लगाइए। GST रजिस्ट्रेशन सीखना है, इनकम टैक्स की फाइलिंग सीखनी है, बाकी और के मतलब MSME में रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं वो सीखना है। एक CS होने के नाते आपका ये धर्म बनता है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जिन बच्चों को स्टॉक मार्केट अच्छी लगती है, ठीक है, वो बच्चे ट्रेडिंग सीख सकते हैं। सी, मुझे भी थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट अच्छा लगता है, बट मेरे साथ दिक्कत ये होती थी कि एग्जाम टाइम में मैं ना मार्केट को रोज टैली नहीं कर पाती थी। स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आपको मार्केट में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती हैं कंपनी की, आपको फाइनेंशियल्स पढ़ने पड़ते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आपको BSE NSE ट्रैक करते रहना होता है, टाइम नहीं होता था। अब टाइम है यार, करो, क्या दिक्कत है। वेरियस कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट्स उठा करके पढ़िए, नॉलेज तो मिलेगी ही, साथ साथ आपको ट्रेडिंग भी आएगी। और बहुत सारे ट्रेडिंग कोर्सेज हैं, जैसे आप सी रचना रनाडे हो गए, या फिर बहुत सारे ऐसे मतलब यूट्यूब पे हैं ट्रेडर्स, मतलब ट्रेडर्स नहीं कह सकते, इन्फ्लुएंसर्स, जिनसे आप स्टॉक मार्केट के कोर्सेज ले सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हैं यार ये, बीइंग एज अ प्रोफेशनल आपको सिक्योरिटीज लॉ का पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाता है यार। बच्चों को ट्रेनिंग ढूंढना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी ट्रेनिंग आगे है, एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग करना चाहते हैं, प्रोफेशनल के बाद ट्रेनिंग करना चाहते हैं, वो बिल्कुल तैयारी से बिल्कुल कमर कस के लग जाइए अपनी ट्रेनिंग ढूंढने में, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अपना बढ़िया सा रिज्यूमे बना सकते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स की अच्छी अच्छी कंपनी, अच्छी अच्छी फर्म्स में जॉब लगी है, आप उनसे उनका रिज्यूमे
लीजिए, देखिए कि आपने जो बनाया है और उन्होंने जो बनाया है क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस को आप मेटअप करिए और अच्छे से रिज्यूमे बना करके कंपनीज की मेल आईडी पे फॉरवर्ड करना शुरू कर दीजिए। सी, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 10 कंपनी में सिर्फ मेल कर देते हैं और 10 कंपनी में से मेल नहीं आया तो कहते हैं यार मेल रिवर्ट नहीं आता। ऐसा नहीं होता है, 100 कंपनियों पे आप मेल करोगे ना तब जाके 5 कंपनियों से रिवर्ट आएगा। मैं सच बता रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने कम से कम 100 कंपनियों में किया था, 10-12 कंपनियों से आया था। तो आप, ये आपके ऊपर है यार, अभी आपके पास टाइम है, करो जितनी ज़्यादा कंपनी में आप कर सकते हो, ठीक है। और अपनी इंटरव्यू स्किल्स को बढ़ाइए, सोचिए कि आपका ट्रेनर आपसे किस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब बात ये आती है, कुछ 4-5 पॉइंट्स मैं बताऊंगी कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है। सबसे पहला, एक्सेस स्लीप नहीं लेनी है, ठीक है। सारा दिन पड़े रह रहे हैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको एक लिमिटेड स्लीप लेनी है, क्योंकि ज़्यादा सोने से हमारे माइंड में स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है। लिमिटेड स्लीप इज़ गुड, बट एक्सेस ऑफ एनी थिंग इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो ये नहीं करना है। दूसरा क्या नहीं करना है, हमें पेपर रिव्यू नहीं करना है। पता चला एक पेपर को रोज उठा करके कैलकुलेट कर रहे हैं, अरे यार पास तो हो जाएंगे ना, 40 तो आ जाएंगे ना, ये नहीं करना है। आप एग्जामिनर नहीं हो, अब आपके हाथ से कॉपी चली गई, तीर कमान से निकल गया है, अब कुछ नहीं कर सकते आप। तो अब उस पेपर को कहीं डंप कर दो, ठीक है। एग्जाम का रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, अभी जो टाइम है उसको बचाओ, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करिए, ठीक है। तो ये नहीं करना है, पेपर को बार बार रिव्यू नहीं करना। तो आई थिंक वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई है, बट यार ठीक है, मतलब अगर आपको फ्रूटफुल लगा हो तो ठीक है यार, वो भी ठीक है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने प्लान किया है करने का, और आगे और कौन कौन से अच्छे अच्छे टॉपिक पे आपको वीडियोज़ चाहिए। वैसे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आगे वीडियो आने वाली हैं, तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड विद द चैनल ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।